लुबना की रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं वेज चीज़ सैंडविच। बहुत ही इजी तरीके से हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। तो फिर चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बॉयल आलू लिए हैं, 1 प्याज को चॉप कर लिया है बारीक, 3 से 4 हरी मिर्चों को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी ली है और टोमेटो सॉस और रेड चिली सॉस को मिक्स कर लिया है। इंडक्शन के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ज़ीरा हमारा तड़कने लगेगा, इसमें मैं चॉप की हुई अपनी प्याज ऐड कर दी हूँ। प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं करेंगे। अब चॉप की हुई हरी मिर्चों को मैं ऐड कर देती हूँ और इसमें 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर ऐड करने से मसाले में बहुत अच्छा कलर आएगा। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसे 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। जो बॉयल आलू रखे थे मैंने, उसे मैंने मैश कर लिया है, इसे भी मैं ऐड कर देती हूँ। आलू ऐड करने के बाद 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। छोटी चम्मच से 1/3 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1/3 टीस्पून चाट मसाला पाउडर है, आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ, आप भी अपने स्वाद के अनुसार डालें। चॉप की हुई धनिया की पत्तियों को ऐड कर रही हूँ। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इंडक्शन को यहाँ पर मैंने बंद कर लिया है। हमारा मसाला जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे सैंडविच में यूज़ करेंगे। सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हैं। स्लाइस हमेशा बड़े साइज़ की लें, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फुल साइज़ की ब्रेड स्लाइसेस ली हुई हैं। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले आप ब्रेड में बटर लगाएं, बटर अच्छे से लगाएं। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बटर लगा रही हूँ। बटर लगाने से क्या होता है कि जब भी आप उसमें सॉस और चटनी लगाएंगे, ब्रेड के दूसरी तरफ चटनी और सॉस नहीं दिखेगा, बटर से एक लेयर बन जाती है। इसलिए सबसे पहले आप बटर ज़रूर लगाएं, उसके बाद एक स्लाइस पर हरी चटनी लगा लें और दूसरी ब्रेड पर सॉस। सॉस यहाँ पर मैंने टमाटो सॉस और रेड चिली सॉस को मिक्स कर लिया है, उसे लगा रही हूँ। आपको अगर हरी चटनी की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं कि सैंडविच की हरी चटनी कैसे बनाते हैं। जो आलू हमने तैयार करके रखा था वो ठंडे हो चुके हैं। अब आलू के मसाले को यहाँ पर मैं स्लाइस के ऊपर रखूँगी, लेकिन एक टिक्की का शेप दे के, ताकि यूनिफॉर्मली आलू जो है हमारे स्लाइस के ऊपर आए। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आलू की टिक्की बनाई है और उसे मैं रख रही हूँ। अब एक चीज़ की स्लाइस रख रही हूँ। हमारा वेज सैंडविच फ्राई होने के लिए तैयार है। अब हम इसे सैंडविच मेकर में फ्राई करेंगे। अब सैंडविच मेकर में सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों प्लेट्स पर इसके बटर लगा रही हूँ। बटर लगाने के बाद इसी में मैं अपनी सैंडविच को रखूँगी। सैंडविच मेकर को हमेशा सबसे पहले आप प्री हीट करें, उसके बाद ही सैंडविच को रखें। सैंडविच मेकर में हमारा सैंडविच बन रहा है। अब जैसे ही इसमें ग्रीन लाइट ऑन होगी, हमारा सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन लाइट हमारी ऑन हो गई है और इसमें मैं खोल के देखती हूँ, अरे वाह, हमारा सैंडविच तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं जो हमारा सैंडविच है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। बहुत ही यम्मी सैंडविच बना है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। वेज चीज़ सैंडविच हमारा बिल्कुल रेडी टू सर्व है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।